विठोबा आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब कुशल मंगल तो है ना? पेशवा सरकार का संदेशा है। ये तो अच्छी बात है। छोटी रानी साहब ने काशी विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत कर दी, ये तो शुभ समाचार है। हाँ, शुभ समाचार है, लेकिन कभी कभी शुभ समाचार का भविष्य अशुभ लेकर आता है। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं, अब समझदारी को ही लीजिए। कम समझदार को लोग बेवकूफ कहते हैं और ज्यादा समझदार को पागल। समझदारी में भी संतुलन जरूरी है। विठोबा, पहली मत बुझाइए, स्पष्ट कहिए क्या बात है। यही कि अहिल्याबाई ने काशी विश्वेश्वर मंदिर के निर्माण का कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसका नतीजा जानते हैं आप? जानते हैं कि क्या हो रहा है? क्या? मालवा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अहिल्याबाई की ख्याति बढ़ रही है। हर कोई एक ही नारा लगा रहा है, हमारे अहिल्याबाई की जय, हमारे अहिल्याबाई की जय। हाँ तो आपको तो किसी स्त्री को मालवा की रानी बनाना गवारा नहीं था, लेकिन जिस तरह से अहिल्याबाई की ख्याति बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के तख्त पर भी किसी स्त्री का राज हो। गंगोबा, पेशवा सरकार चाहते हैं अहिल्याबाई होलकर की इस उड़ान को यही रोक दिया जाए। चाहे कुछ भी करना पड़े, उड़ान रुक जानी चाहिए। बेटो बाब, मैं कैसे? देखिए गंगोबा, अहिल्याबाई की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लोग अब उन्हें अपनी रानी मान बैठे हैं, और वो भी उस समय जब मल्हार सरकार और मालेराव दोनों भी मालवा में उपस्थित नहीं हैं। ऐसे में अगर जनता को उनकी आदत पड़ गई तो उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन मिठोबा, अहिल्याबाई साहब का विकल्प? देखिए, विकल्प के तौर पर मैंने मालेराव को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस पद के, इस गद्दी के लायक है। विठोबा, वो योग्य नहीं है। अब बात मालेराव के योग्यता की नहीं है, अहिल्याबाई को अयोग्य साबित करने की है। बात एक स्त्री के नेतृत्व को रोकने की है। यही तो आपकी भी सोच थी ना? सोच थी नहीं, सोच है। लेकिन मत लगाइए। अगर मालेराव ही विकल्प है तो उसे ही बढ़ावा दीजिए, और कभी कभी बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। आपको कुछ भी करके अहिल्याबाई को रोकना होगा, इससे पहले कि वो सबके लिए खतरा बन जाए। लेकिन विठोबा, छोटी रानी साहब तो एक आध दिन में मालवा वापस आ जाएंगी। एक दिन में कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है ये सब आप देखिए।
क्योंकि पेशवा सरकार ने ये सब आपके ऊपर सौंप दिया है। लेकिन ये सब गंगोबा, इसके पहले भी आपने कई बार मालवा को भीषण संकट से बचाया है, और एक बात याद रखिएगा, अतीत में दिखाए गए कर्तव्य अगर भविष्य में ना दिखाई दिए तो मंचा पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कुछ भी हो, हमें पूरा विश्वास है कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। रानी साहब, मैं जब वाड़े में आ रहा था तो रास्ते में आपका दूत मिला, आपके लिए संदेश है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अहिल्या वाड़े में लौट रही है। रानी साहब, एक बुरी खबर भी है, मेरे गुप्तचरों से एक बात पता चली है। क्या? यही कि मालवा के दरबारियों के बीच छोटी रानी के खिलाफ अविश्वास की लहर दौड़ रही है। वो दरबार में छोटी रानी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि छोटी रानी राजगद्दी पर ना बैठे। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अहिल्या ने हमेशा पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से पूरे मालवा की सेवा की है, और वो इस राजगद्दी में सिर्फ बैठी नहीं है बल्कि इस राजगद्दी की हकदार है, उसके काबिल है। और ये दरबारी कौन होते हैं ये सब करने वाले? यशवंत, हमें बताइए कि ये षड्यंत्र कौन रच रहा है? बताइए यशवंत। वो मेरे गुप्तचरों ने बताया कि यशवंत ने संकोच होकर बताइए हमें, बिना डरे बताइए कि ये षड्यंत्र कौन रच रहा है? मेरे गुप्तचरों ने बताया कि ये सब गंगोबा तात्या कर रहे हैं। गंगोबा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। गंगोबा? ऐसा? हमें गंगोबा से बात करनी होगी। क्षमा चाहता हूं रानी साहब, लेकिन इस वक्त हवा जो है वो छोटी रानी के विपरीत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बीच में बोलने से उन्हें और बल मिल जाए। मेरा मतलब है कि बात उल्टी भी पड़ सकती है, और मुझे लगता है कि छोटी रानी स्थिति को संभालने के लिए सक्षम है। आप उन्हें खुद इस मामले को देखने दीजिए। हे शिव शंभू, हमारी अहिल्या इतना अच्छा कार्य करके आ रही है, और यहां आकर उसे ये सब देखना पड़ेगा? कैसे संभालेगी अहिल्या स्थिति को? नहीं, हम इस समय ये सब नहीं होने दे सकते। हमें ये सब किसी तरह से रोकना होगा। यहां उपस्थित सभी दरबारियों को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे विचार से यहां बैठे सभी दरबारी इस बात से सहमत हैं कि एक स्त्री को मालवा की राजगद्दी पर नहीं बैठने देना चाहिए। जी सरदार, सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने।
सरकार, छोटी रानी की सवारी वाड़े में पहुंचने ही वाली है। तो चलिए फिर, समय आ गया है, हम सब इकट्ठा चलते हैं और छोटी रानी साहिब को हमारा अंतिम फैसला सुना देते हैं। आइए। हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं अहिल्या, जो तुम जैसी बेटी मिली है हमें। शिव शंभू अपनी कृपा हमेशा तुम पर बनाए रखे। प्रणाम छोटी। जीते रहो। क्या बात है, बड़े चिंतित लग रहे हो। मुक्ता तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं। आई साहब। मुक्ता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।